प्रयागराज में हंडिया की चेक होदा ग्राम सभा में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे के साथ वोट का बहिष्कार कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि जब तक जिलाधिकारी नहीं आएंगे तब तक वोट नहीं करेंगे, लेकिन वहां उप जिलाधिकारी हंडिया ने मतदाताओं को आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी बात पर अड़े रहकर कहा कि रोड नहीं बनी तो सभी चुनाव में वोट नहीं करेंगे। लेकिन वह जिला अधिकारी प्रयागराज नहीं आए और जिला अधिकारी के न आने पर ग्रामीणों ने पूरी तरीके से शाम तक वोट नहीं डाला, नहीं अधिकारियों को कोई प्रभाव पड़ा और पोलिंग पर मौजूद कर्मचारियों ने पूछने पर 6 वोट पड़ने की बात बताई, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि कोई भी वोट नहीं डालना गया है, सब अधिकारी अपने से वोट डाले हुए हैं। क्या नाम है आपका? रामबाबू पटेल। कौन सा गांव? चखौदा। ये बताइए, ये आप लोग वोट का बहिष्कार किस लिए किए? हम लोग वोट बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ जो भी सांसद होते हैं जी, जैसे बीरेन्द्र सिंह मस्त जी, गोरखनाथ पांडे जी थे, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई न तो मेरे गांव में आया और न तो दिखाई पड़े। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे गोपालीपुर और चखौदा से लेते हुए जो प्राइमरी पाठशाला है, यहाँ तक हम लोगों के पास कोई रोड नहीं है। रोड आप मतलब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से रोड, मतलब आज तक महिलाएं, बीवी बच्चे, मतलब आने जाने में बहुत असमर्थ हैं। इसलिए हम लोग न तो वोट देने वाली बात नहीं है, सवाल इस बात के है कि हम लोग केवल डीएम साहब को चाह रहे हैं कि डीएम साहब हमारे इस बूथ पर पहुँचे, हम लोग उनकी हम अपनी समस्या देंगे, वो हमारी समस्या सुने, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। क्या किसी अधिकारी साहब की बात हुई नहीं है? हम लोगों के अधिकारी साहब एसएम साहब आए थे, एसएम साहब आए थे, यही बात हम लोग एसडीएम साहब से भी कहे। क्या बोले वो? कहे कि भाई हम आपकी समस्या सुनेंगे, हम लोग कहे कि नहीं, हम केवल डीएम साहब को चाहते हैं कि डीएम साहब आए, हमारी समस्या सुने, हम लोग वोट देने के लिए तैयार। उन्होंने आश्वासन दिया, इसके पहले भी आश्वासन दे चुके हैं, कई बार एसडीएम साहब आए, आश्वासन दिए, लेकिन आज तक रोड नहीं बनी। यहाँ गणपत राजा राय एसडीएम साहब थे, वो आए पूरे गांव वालों को मतलब आश्वासन देकर चले गए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई हम लोगों को नहीं हुई। इस गांव में अब तक कितनी राजनीतिक पार्टी आ चुकी है जो आश्वासन? इस गांव में राजनीतिक पार्टियां, इस गांव में सर राजनीतिक पार्टियां आई, लेकिन कोई नेता चल के यहाँ नहीं आया। सांसद हो जाते थे, गोरखनाथ पांडे हुए, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा हुए, फिर वीरेंद्र मस्त जी हुए, लेकिन इस गांव में कदम सिर्फ वोट मांगने के लिए उनके कैंडिडेट आते थे, यहाँ कोई नहीं आया करता था। और उनके पास हम लोग अपनी बात भी किसी तरह से किसी के माध्यम से पहुंचाते थे तो वो हमारी बातों को इग्नोर किया करते थे। तो हम लोग पिछले दिनों 8-10 महीने पहले एसडीएम साहब राजा गणपति राव के पास अपना एप्लीकेशन लेके गए कि हमारे यहाँ की रोड की समस्या इतनी दर्दनीय है कि हमारे गांव में बहु बेटियां जब आती हैं बाहर से तो बरसात में उनको 500 मीटर पैदल चल के आना पड़ता है घर के लिए। यदि कोई डिलीवरी केस हो तो हमारी बहु बेटियों के लिए एम्बुलेंस यहां आ नहीं पाती, जाने में कितनी तकलीफ होती, बाहर लेके जाओ फिर उनको मतलब गाड़ी में लेके जाओ, कभी कभी ये कंडीशन आ जाती कि वो बहुत सीरियस हो जाती हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे ये है सर कि गोपालीपुर से लेके औदा प्राइमरी स्कूल होते हुए बीबीपुर कुटिया तक पक्की रोड, काली रोड की मांग है, जो हम पिछले 20 सालों से मांग रहे हैं। कर्मचारी नेता हमेशा आते रहे लेकिन हमारी मांग नहीं पूरी की गई, जिस पर मजबूरन हम लोग को मतदान बहिष्कार करने पर मजबूर होना पड़ा। और हम संपूर्ण ग्रामवासी मिलके मतदान का बहिष्कार करते हैं, शाम 6 बजे तक पूरी तरह से मतदान नहीं होगा जब तक हमारी किसी से फेस टू फेस बात नहीं हो जाती। आज ही नहीं, हम आने वाले हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो किसी भी मतदान में भाग नहीं लेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे, ये हमारे संपूर्ण।